everyone, this is Bonus and welcome to my Sunday session. This is the 21st video, right? And today's note is all about bakery and confectionery. बेकरी और कन्फेक्शनरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है? आज एक एक चीज में डिटेल में बताऊंगा और what are you waiting for? Let's start the session. Let's start. So first word we have here is frenching. ठीक है? तो frenching क्या होता है? The process of removing all fat, meat and the cartilage from the ribs bone on a rack roast by cutting between the bones with a sharp paring knife. ठीक है? With the help of a sharp paring knife, often referring to the lamb, beef or pork ribs. Frenching क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं फैट, मीट और कार्टिलेज, और जनरली हम उसको यूज करते हैं लैम्ब, बीफ और पोर्क रिब्स के लिए. यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐड करूंगा जिससे कि आपका जो फ्रेंचिंग प्रोसेस है वो आपको क्लियर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, आपने चिकन लॉलीपॉप खाया होगा, राइट? चिकन लॉलीपॉप कैसे होता है? ये बोन है और यहाँ पे उसका मीट रहता है, राइट? तो ये जो बोन है इसे हम निकाल तो नहीं रहे ना, इसमें जो मीट था उसे हम नीचे कर दिए, राइट? उसको हम खींच के यहाँ पे बल्क कर दिए और इसको हम अच्छे से साफ कर दिए, ठीक है? यहाँ पे जो अच्छे से क्लीन किया है, और ये क्या है, जॉइंट है इसमें. ऐसा नहीं है कि हम इसको निकालने के बाद उसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं या अटैच कर रहे हैं, वैसा नहीं होता, राइट? सो ये जो मीट है यहाँ पे जो क्लीन किए हुए, तो ये जो बोन है वो क्लियर है, मीन्स उसमें फैट नहीं है ना उसमें मीट है. सो ये जो बोन क्लीन हुआ है इसको बोलते हैं हम फ्रेंचिंग प्रोसेस, ठीक है? तो आप लॉलीपॉप चिकन खाते हैं उसको हम फ्रेंचिंग स्टाइल बोलते हैं कि उसको हम फ्रेंच करना है पहले, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंचिंग स्टाइल. तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेंचिंग स्टाइल, कि जो बोन है वो क्लीन रहे, ठीक है, और वो मीट के साथ लगे रहे, ये नहीं कि मीट से अलग हो जाए. और ये जो बल्क मीट हो रहा है और यहाँ पे कुछ भी मीट या कुछ भी रेसिड्यू नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं फ्रेंचिंग स्टाइल, ठीक है? जैसे कि आप जानते होंगे कि जो टॉप प्रोफेशनल शेफ्स होते हैं, वेन कम्स टू लैम्ब रैक, ठीक है, जैसे आप जानते होंगे ऐसा रहता है मीट, है ना, और ऐसे ऐसे उसके रैक्स निकले होते हैं, मीन्स बोन्स निकले होते हैं, राइट? सो इसको हम बोलते हैं फ्रेंचिंग, लैम फ्रेंचिंग, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश. चिकन लॉलीपॉप, राइट? सो चिकन लॉलीपॉप द बोन इज कम्प्लीटली क्लीन, राइट? दिस बोन, दिस प्लेस, पुलिंग आउट द मीट, राइट, एंड गैदरिंग हियर. वी नॉट लाइक टेकिंग आउट द बोन. द बोन इज राइट देयर विच इज अटैच्ड टू द मीट, एंड दिस bone area is completely clean. No flesh, no cartilage, no meat residue in the bone, right? It's completely clean. It's just right here. This is known as frenching. Means bone is completely attached to this meat. One more example here, you can see the lamb. This is the lamb and the bones. Means a rack of lamb that generally we say, right? So this is all about frenching. Guys, clear? Let's see the next. Next we have is harissa. What is harissa? A spicy aromatic chili paste made from a variety of hot peppers and spices, often used in North Africa, right, and the Middle East cooking process. Clear? Harissa is actually from Tunisian. Tunisian, right, is from the Middle East, right, and this is like we use baklawti pepper. Okay? This is what we generally use for making harissa. This is kind of a red chili chutney, ठीक है? For example, इसका recipe जैसे कि garlic paste हुआ, ठीक है, coriander seeds हुआ, cumin हुआ, olive oil हुआ, उसको हम use करके इसका चटनी बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं harissa. ये harissa है, which is from the Middle East and North Africa में use करते हैं, ठीक है? उसी way में in US में sriracha. Hope you heard about sriracha. Means kind of a sriracha is a alternative, ठीक है, of harissa. When it comes to harissa, if you don't have harissa, we generally use sriracha. This gives a spicy punch. It's very, very hot, or you can say like very, very spicy. Clear? Harissa एक spicy aromatic chutney बोल सकते हो, chili paste है, ठीक है? जो कि hot pepper से बनता है. Hot pepper means baklawti peppers, ठीक है? और ये आपका use होता है North Africa में और Middle East cooking में use होता है, ठीक है? और सिराचा करके एक चिली पेस्ट होता है जो आपका अमेरिका में बहुत फेमस है. यदि आपको हरीसा वहाँ पे नहीं मिलेगा तो आपको सिराचा मिलेगा, उसके जगह में सिराचा यूज़ करते हैं. इज जनरली अ काइंड ऑफ अ चिली चटनी, ठीक है, रेड चिली चटनी, बट इसका स्पेशलिटी है कि ये बकलौटी पेपर होना चाहिए. और ये है कंट्री जहाँ से हमें ये हरीसा मिलता है. हरीसा का मीनिंग क्या होता है? हरीसा का मीन मीन्स टू पाउंड,
मीन्स टू ब्रेक, मतलब ब्रेक इनटू पीसेस, मतलब अच्छे से उसका चटनी बनाना, तो उसको क्या ब्रेक डाउन बोलते हैं। और यूएस में, यूरोप कंट्रीज में पाउंड बोलते हैं, ठीक है, लाइक पाउंडेड अप मीन्स उसको अच्छे से कूट दो, तो उसे हम बोलते हैं हरिसा। सिंपल एज दैट। क्लियर विद दिस? लेट्स सी द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी हैव हियर इज जखार्ड। इसका जो प्रोनंसिएशन है वो है जखार्ड, ठीक है, जे ए सी क्यू यू ए आर डी आई एन जी, जखार्डिंग। और ये जो सिंपल वे में बोल रहे हैं इसको बोलते हैं जखार्ड। व्हाट डज दिस मीन? द प्रोसेस ऑफ पोकिंग होल्स इनटू द मसल ऑफ अ मीट इन ऑर्डर टू टेंडराइज इट, ठीक है, एंड ऑल्सो नोन एज निडलिंग। मैं आपको बता देता हूँ जखार्ड का मतलब क्या होता है, कि आपको एक पीस ऑफ मीट है, ठीक है, ये काफी टफ है, सो इसे हम जब ग्रिल करेंगे या फिर इसको हम जब कुक करेंगे, राइट, सो अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें काफी छोटे छोटे मसल्स रहते हैं। जैसे कि एक आपका बीफ का मीट ले लीजिए, ठीक है, सेंटर पार्ट ऑफ अ मीट, तो उसमें क्या होता है कि इन लोग ना मशीन से या फिर उनके पास जो पाउंड होता है, पाउंड मीन्स क्या होता है, वहां आपका जैसे आपका हथौड़ा होता है, राइट, उसी टाइप का एक छोटा सिल्वर कलर का उनका एक पाउंड बोलते हैं उसे हम, उससे क्या होता है इसको अच्छे से फ्लैटन करते हैं, थोड़ा हल्का सा उसको अच्छे से वहां पे कूटते हैं, जैसे कि हल्का सा फ्लैट हो, जैसे कि जो मसल्स है वो टफ मसल्स है वो थोड़ा सा टेंडर हो जाए, जैसे कि कुक करने टाइम में वो जो पोर्शन जहां जहां उसका बोन्स है वो जगह भी अच्छे से कुक हो जाए। और कुछ मशीन है जो इसको अच्छे से यहाँ पे धीरे धीरे होल्स करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे नीडल टाइप का होल्स करते हैं, जैसे कि जब इसको कुक किया जाए, जैसे कि अंदर तक का कुक हो, ठीक है, क्योंकि मीट यदि काफी मोटा होगा तो टाइम लगेगा आपको कुक करने में, और यदि मीट में जी छोटे छोटे आप इसको पोक कर देते हैं तो क्या होगा कि जल्दी से उसका हीट जो है वो अंदर तक जा पाएगा, उससे क्या होता है आपका मीट जो होगा टेंडर होगा और इट विल टेक लेस टाइम टू कुक, ठीक है, कम टाइम में कुक हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली वेयर वी एक्चुअली पोकिंग होल्स ऑन अ टफ मीट एरिया, राइट, सो इट विल एक्चुअली हेल्प्स टू कुक फास्टर एंड द सेम टाइम व्हेन वी पोक इट सो दैट एरिया विल गेट कुक साइमल्टेनियसली, राइट, when comes to the tough in one, because it has a tough muscles, it create a little problem, you know, like when we cook, this portion will be get cook and the upper, the down will cook, but the inner side will be still raw. So for that reason, we just want to do a some niddling kind of process that is called jacquard, which will helps to cook the whole meat simultaneously, like inner, outer side, all the way, all the part, right? So we generally use pounder, which is kind of a, you know, hammer, exactly. Right, just to flatten up a little bit the meat, and with the help of that, so what it does, it actually make all the way shape same. So all the way cooking is processing, right? So when you will take it out the meat, so that moment the middle will not gonna be raw. So upper, down, side, and inner, every single thing will be cooked simultaneously and perfectly. And that what exactly gonna give you the end result, the meat tenderize. Clear? This is about jacquard. I hope you guys clear with this, right? Let's see the next. This is kippah. This is pronounced as kippah. The whole herring that has been split into a butterfly fashion from a tail to head guttered, salted and pickled. Main aapko bata deta hu kya iska meaning hai. You know the fish, right? So, ye jo fish hai aapka, herring, ठीक है, सो आपको ये जो फिश है, इस फिश को हम करते हैं बीच से स्प्लिट, यहां पे इस फिश को हम यहां साइड से, ठीक है, ये साइड से हम यहां से पूरा काट देंगे, यहां साइड से हम इसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, और इसको हम इस वे में फ्लैट कर देंगे, मतलब यहां पे आप उसका बोन देख सकते हैं, ठीक है, हम इसको पूरी तरह ओपन कर देंगे, फ्लैट कर देंगे, मतलब इस वे में काटा जाएगा जैसे कि पूरा स्प्लिट हो जाए, जैसे कि चिकन, जानते हैं चिकन बटरफ्लाई होता है ना, उसी वे में यहाँ पे फिश को करेंगे, वहां पे चिकन को बटरफ्लाई बोलते हैं, बटरफ्लाई शेप, यहाँ पे जब फिश के बारे में आता है उसको बोलते हैं किपा, ठीक है जी, तो इसका इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं किपा, और ये सिर्फ और सिर्फ फिश के लिए होता है, ठीक है, ये हैरिंग, ये फिश का नाम है, ये एक फिश टाइप है, ठीक है, और इस वे में स्प्लिट करने के बाद इसको हम करते हैं सॉल्ट, और उसमें बहुत सारी चीजें, डिपेंड ऑन यू दैट व्हाट काइंड ऑफ रेसिपी यू आर यूजिंग टू मेक दिस फिश पिकल्ड, कैन सी पिकल्ड, सो दिस इज कॉल्ड किपा। गाइस क्लियर विद दिस? वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, काफी इंटरेस्टिंग है ना ये, कि इसको फ्लैट करते हैं देन वी गो थ्रू द पिकल प्रोसेस, है ना, तो इसको बोलते हैं किपा। आपको यदि अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा सो आप जरूर लाइक कीजिएगा, और हाँ कमेंट कराना मत भूलिएगा, कमेंट, सिंपल कमेंट, आप यदि एक स्माइल भी भेज देते हैं कमेंट में
तो आई विल बी वेरी हैप्पी। सो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। इट टेक्स एक्चुअली यू नो बहुत टाइम लगता है सब चीज़ों को अच्छे से समझाना, डिटेलिंग में बताना, इट रियली टेक्स टाइम गाइज, राइट। एंड आई एम जस्ट डूइंग फॉर यू ऑल कि मैं आपको अच्छे से हर एक चीज़ आपको मैं शेयर कर सकूँ और बता सकूँ, ठीक है। आई वेट फॉर यूर कमेंट गाइज। इट्स द नेक्स्ट, निडलिंग। निडलिंग क्या होता है? इंजेक्टिंग फैट और फ्लेवर इन टू एन इंग्रीडियंट टू एनहेंस इट्स फ्लेवर। मैं आपको बता देता हूँ कि ये हम जनरली चिकन के लिए करते हैं, ठीक है। निडलिंग मतलब क्या होता है कि जस्ट लाइक एन इंजेक्शन, यू नो, जस्ट लाइक एन इंजेक्शन, फ्लेवर्ड बटर लेते हैं, ठीक है, और उसको हम इंजेक्ट करते हैं अंडर द स्किन, द होल चिकन। जैसे कि एक होल चिकन हुआ, एक पार्ट ऑफ चिकन हुआ, उसमें जो स्किन रहता है, राइट, वो स्किन तो काफी अलग होता है ना मीट से, बस वो साइड साइड से अटैच होता है, बाकी बीच में पूरा गैप होता है। उस चिकन के अंदर में आप बटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, फ्लेवर्ड बटर। जैसे कि आपने गार्लिक बटर रेडी किया, ठीक है, चॉप्ड गार्लिक और बटर मिक्स कर दिया अच्छे से, और उसको आप स्किन के अंदर में डाल के उसको अच्छे से पैक कर दिए, और उसको हम बेक कर रहे हैं, मीन्स अवन में बेक कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो फैट होता है, बटर जो होता है ना, वो स्किन को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में। आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा तो ट्राई जरूर कीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंजेक्टिंग प्रोसेस। Have some flavored butter like garlic butter or rosemary butter, something like that. Just add underneath the skin, like skin of the chicken, and then bake it. So what happened? That butter, that flavor, everything will become in the chicken, as well as it will helps to make your chicken skin crispier, right, and give you a nice color, simultaneously a great flavor, right? This is all about niddling. Guys, clear with this? Let's see the next. So next we have here is katkha. Pronunciation of this is katkha, means four spices, a finely ground mixture of a generally with pepper, cinnamon, nutmeg and ginger, a little of clove, like depends, ginger or clove, right? So we have four is a pepper, cinnamon, nutmeg, ginger, clove, used to season the vegetable soup and stew. This is a combination of a four spices, which is a pepper, cinnamon, nutmeg, ginger or clove. Generally we use for the soup and stew, right? For the seasoning purposes. Clear? ये चार spices का combination है, ठीक है, जिसमें कि आप cinnamon, ginger और clove और nutmeg, इन चारों का combination होता है जिसे हम use करते हैं soup और stew के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं katkha. Clear? Today's note is all about bakery and confectionery. Bakery हम किसको बोलते हैं और confectionery हम किसको बोलते हैं? Bakery is a place where baked food items are sold. ठीक है, बेकरी एक जगह है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बेक्ड फूड ही बेचते हैं। व्हेन इट कम्स टू कन्फेक्शनरी, प्लेस वेयर स्वीट फूड आइटम्स आर सोल्ड। कन्फेक्शनरी मीन्स जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको मीठा खाना आपका वहां पे सेल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेल फूड आइटम्स सच एज ब्रेड, बेगल्स, बंस, केक, पेस्ट्रीज, पाइस, कुकीज, मफिन्स, ब्राउनी, ये आपका बेकरी में आपको अवेलेबल रहेगा। बट व्हेन इट कम्स टू कन्फेक्शनरी, वहां पे आपका शुगर बेस्ड फूड, ओनली और ओनली शुगर बेस्ड। कन्फेक्शनरी मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा 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 शुगर, मीन्स चीनी से काम होता है, ठीक है, वहां पे कोई डो वगैरह कुछ यूज नहीं होता है क्योंकि वहां पे बेकिंग नहीं होता है, ठीक है। शुगर बेस्ड फूड, शुगर बेस्ड फूड लाइक कैंडीज, ठीक है, चॉकलेट, च्युइंगम्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रन्स बाय बेकर। बेकरी चलाने वाले को हम बोलते हैं बेकर, ठीक है, और कन्फेक्शनरी चलाने वाले को हम बोलते हैं कन्फेक्शनर, ठीक है। द वन हु रन्स बेकरी वी से बेकर, एंड द वन हु रन्स कन्फेक्शनरी वी से कन्फेक्शनर। क्लियर? दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूस स्वीट एंड सेवरी फूड दोनों, ठीक है, जैसे कि बंस होते हैं, काफी स्वीट बंस होते हैं, राइट, सो स्वीट और सेवरी दोनों बेचते हैं, कौन, बेकरी वाले। व्हेन कम्स टू कन्फेक्शनरी, ओनली सर्व्स स्वीट फूड, देयर इज नो सेवरी ऑप्शन। क्लियर? सो बेकरी वाले सिर्फ स्वीट्स और सेवरी दोनों बेचते हैं, स्वीट्स एंड सेवरी बोथ आर अवेलेबल इन बेकरी, बट व्हेन कम्स टू कन्फेक्शनरी ओनली स्वीट फूड, राइट। सो नेक्स्ट, बेकरी सेल्स स्टेपल फूड लाइक डेजर्ट्स एंड स्नैक्स, जो नॉर्मली अवेलेबल होता है स्टेपल फूड के हिसाब से, उसके हिसाब से वो डेजर्ट्स और स्नैक्स रखते हैं। कन्फेक्शनरी में क्या होता है, डजंट सेल्स फूड, लाइक वहां पे आपको ना स्नैक्स मिलेगा ना आपको कोई मील वगैरह मिलेगा। मील में मतलब क्या होता है कि आपको कोई मतलब भूख लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कन्फेक्शनरी जाके कुछ खा सकते हैं। कन्फेक्शनरी आप जाएंगे तो आप सोच के रखिएगा कि आपको वहाँ मीठा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, लाइक चॉकलेट, कैंडीज और च्युइंगम्स वगैरह के अलावा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है,
बट यहाँ पे आपको डेजर्ट्स और स्नैक्स मिल सकता है. क्लियर विद दिस? यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है जो बताना चाहता हूँ आपको. नॉट ऑल प्रोडक्ट इन द बेकरी आर स्वीट. ठीक है, बेकरी में हर एक चीज प्रोडक्ट जो है वो आपका स्वीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेवरी और मीठा दोनों मिलता है. राइट, स्वीट एंड सेवरी दोनों मिलता है. नॉट ऑल द स्वीट्स इन द कन्फेक्शनरी आर बेक्ड. और कन्फेक्शनरी में मतलब ये नहीं कि हर एक स्वीट आपका बेक्ड होगा. ठीक है, सो दिस इज मोर ऑफ शुगर डीलिंग. ठीक है, यहाँ पे मोर ऑफ काइंड ऑफ अ स्टेपल फूड, स्नैक्स, एवरीथिंग अवेलेबल. आई होप यू गाइस क्लियर विद दिस बेकरी एंड कन्फेक्शनरी. राइट, आपको यदि अच्छा लगा तो कमेंट में एक स्माइल भेजना मत भूलना, सब्सक्राइब और शेयर कराना भूलिएगा. राइट, आई सी यू इन द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो. टिल देन, गुड नाइट टर्म्स. बाय बाय.